हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आयु संबंधित प्रश्न लेकर के आया हूं जो 2019 से 2023 के बीच में पूछे गए हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में वो आपको आज पता लग जाएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सुशांत और निशांत की वर्तमान आयु का अनुपात 9:13 है, 8 वर्ष पश्चात यह अनुपात 11:15 हो जाएगा, निशांत की वर्तमान आयु क्या है? चलिए सबसे पहले तो हमें एक प्रेजेंट रखना है बीच में, जिसे वर्तमान कहते हैं, पी फॉर प्रेजेंट। दो व्यक्ति हैं सुशांत और निशांत, सुशांत और निशांत ये दो व्यक्ति हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान मतलब प्रेजेंट का, 9:13 है। फिर उसने बोला कि 8 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, तो याद रखना जब वो बाद का बोलेगा ना तो वर्तमान से आपको नीचे की तरफ आ जाना है। 8 वर्ष बाद बोला है तो 8 वर्ष नीचे की तरफ आ जाओ, अगर पहले बोले तो वर्तमान से ऊपर चले जाना, बाद का बोले तो वर्तमान से नीचे आ जाना, ठीक है। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 8 वर्ष के बाद में, 11:15 हो जाएगा। तो निशांत की वर्तमान आयु क्या है? अच्छा सवाल है, करने का सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूं कि सबसे पहले तो आप नीचे वाले जो अनुपात है ना इनका अंतर कर लो, 11 और 15 का अंतर आ जाएगा भैया 4, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और इनका भी अंतर कर देना, 15 निम्मा 135 और 11 का और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो मैं कर लेता हूं, 13 निम्मा 135, ठीक है, 11 3 का 33 का 3, कैरी का 3, 11 कम 11 में जोड़ेंगे 3 तो 14 143। दोनों का फिर अंतर करना है, पहले तो नीचे वाले अनुपात का अंतर लिखना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका भी आपको अंतर करना है। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 8, इनका अंतर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 15 निम्मा 135 और 11 13 का 143 और 135 का अंतर कितना आ जाएगा भैया 8, इनका अंतर आ जाएगा, इनका अंतर कितना आ जाएगा 8। और यहां पे जो दिया गया है समय, जो 8 वर्ष हम बाद में जा रहे हैं, इससे आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। क्लियर है यहां तक, किसी कोई दिक्कत नहीं? अब 8 से 8 ये कट जाएगा, 8 से 8 ये कट जाएगा, बचेगा कितना 4। अब जो पूछा जा रहा है याद रखना, उसने पूछा है वर्तमान, तो वर्तमान का जो रेशियो है उससे आपको मल्टीप्लाई कभी नहीं करना, दूसरा जो दिया जाएगा उससे करना। तो निशांत की वर्तमान आयु पूछी है तो निशांत का वर्तमान का अनुपात 13 है, इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, इसके अपोजिट में जो दूसरा उससे कर देना है, ठीक है। दूसरे से करेंगे तो 4 15 का 4 से करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो ये जो 60 वर्ष की आयु है ना, ये वर्तमान से 8 वर्ष बाद की निकल के आई है, आपको पहुंचना है वर्तमान में। तो 60 में से 8 माइनस करके वर्तमान में पहुंचोगे तो 60 में से 8 घटाओगे तो निशांत की कितनी आयु हो जाएगी 52 वर्ष, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही जवाब। अगर आप सीधा 4 का मल्टीप्लाई 13 से करते, 13 चौका 52 है, 52 ही आता, लेकिन ये हर बार सभी हर समय सही नहीं आएगा, कभी कभी गलत भी आएगा। तो सही तरीका यही है कि जिस व्यक्ति का पूछा जा रहा है ना, वर्तमान का पूछा है तो वर्तमान के अनुपात से मल्टीप्लाई मत करो, उसके बाद में जो दूसरा है उससे कर लो, फिर तो प्लस माइनस हो ही जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है, कोई दो व्यक्ति हैं जिसमें से ये पहला व्यक्ति हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, इनके आयु का अनुपात 5:9 हो जाएगा। एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, एक की जो आयु है वो दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योगफल वर्ष में कितना होगा? देखिएगा, उनकी जो आयु है उसने जो बोला है उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। अगर मैं अनुपात में देखूं, एक की आयु दूसरे से कितना अधिक है अनुपात में, 5 से 9 हो गया, अनुपात में कितना अधिक है 4, अनुपात में अधिक है 4, रियल में अधिक है 40, तो यहां पे 4 की वैल्यू 40 के बराबर, तो 4 से डिवाइड कर दो 10 बार में ये कट जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो 50 और 9 से कर दो तो 90। तो हमारे पास एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, पहले व्यक्ति की आयु 50 है दूसरे की 90, तो देखो 40 वर्ष अधिक हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया 40 वर्ष अधिक। तो हमसे पूछा उनकी आयु का योग कितना है, एक व्यक्ति की आयु 50 है दूसरे की 90, दोनों का योग बताना है, 140 वर्ष हो जाएगा दोनों का योग, बी ऑप्शन सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है, एक है सीमा एक है रीमा, ठीक है, एक सीमा है और एक रीमा है, सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है, रीमा से 8 वर्ष छोटी है ना, सीमा जो है आयु में रीमा से छोटी है, 8 वर्ष छोटी है, ठीक है, 8 वर्ष छोटी, इतना हमें कहा गया।
यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, 4 वर्ष पहले, यानी कि ये तो प्रेजेंट है ना, 4 वर्ष पहले बोला, तो मैंने क्या बोला, वर्तमान से पहले चला जाना, ऊपर चले जाना, ऊपर जब जाओगे तो अनुपात कितना है, 1:2 है, ठीक है। अब से 6 वर्ष बाद, अब से यानी कि प्रेजेंट से, ये हम कितना वर्ष पहले गए, 4 वर्ष पहले, ऊपर का मतलब पहले और नीचे का मतलब बाद, तो 6 वर्ष बाद सीमा की आयु कितनी होगी, 6 वर्ष के बाद में सीमा की आयु कितनी होगी ये बता। देखिएगा, अच्छा सवाल है, यहां पे हमारे पास रीमा आयु में सीमा से 8 वर्ष छोटी है, तो सीमा रीमा से 8 वर्ष छोटी है, तो ये जब तक जिएगी 8 वर्ष छोटी ही रहेगी, जब तक जिएगी इनका अंतर हमेशा 8 वर्ष का ही रहेगा, जब इनका 8 वर्ष का अंतर रहेगा, कितने का अंतर रहेगा, हमेशा 8 का, चाहे वो अब की बात ले लो, चाहे 10 साल बाद की या 10 साल पहले की, 10 साल पहले भी 8 का ही अंतर होगा, वर्तमान में भी 10 साल का अंतर, और कितना भी आगे चले जाना, ये उम्र का अंतर हमेशा बराबर ही, अगर कोई व्यक्ति आपसे 2 दिन छोटा है तो जब तक वो जिएगा आपसे 2 दिन छोटा ही रहेगा, कि वो 50 साल का हो जाए आप 50 साल 2 दिन के हो जाओगे, वो 2 दिन का अंतर हमेशा चलेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो मेरे पास अंतर कितने का है, 8 का, और अनुपात में कितने का अंतर है, 1 का, 2 और 1 का अंतर, जब अंतर है तो अंतर ही लेंगे, तो 2 और 1 का अंतर 1 आ जाएगा, 1 से 8 कटाएंगे, 8 ही तो रहता है। पूछा क्या, 6 वर्ष बाद सीमा की आयु कितनी होगी, 6 वर्ष के बाद, कब का पूछा भाई उसने, 6 वर्ष के बाद में सीमा की आयु कितनी होगी। अब देखिएगा, 6 वर्ष के बाद में पूछा है ना, अगर मैं इस 8 का मल्टीप्लाई 1 से करूं तो 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 हो गया, 8 में 4 जोड़ूंगा तो 12 प्रेजेंट में आ गया, वर्तमान में 12 साल का, और 12 में 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 18 का, तो यहां पे जो आयु 6 वर्ष बाद पूछी गई है ना, वो 18 वर्ष हो जाएगी सीमा की, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान मतलब प्रेजेंट का, 8:15 है, अब से 4 वर्ष बाद, अब यानी कि वर्तमान से कितना, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:16 होगा, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, ठीक है, सवाल को सही से पढ़ना है, और जब तक सही से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर हमारा आ नहीं सकता। उसने बोला है कि अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना है, अनुपात इतना है, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, ये बोला है। चलिए ध्यान से देखिएगा, जब हम प्रश्न को ध्यान से देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि यहां पे ए 8 वर्ष का है अनुपात में और 4 वर्ष बाद हो गया 9 का, 1 बढ़ गया अनुपात में, और यहां भी अनुपात में देखो बी हमारा 15 का था 16, 1 बढ़ गया, तो अनुपात में हम कितना बढ़ रहे हैं, देखो 1, और वर्ष में हमारे कितने बढ़ रहे हैं, 4 वर्ष, अनुपात में बढ़ेंगे 1 तो वर्ष में बढ़ जाएंगे हम 4, ठीक है, 1:1 की वैल्यू 4 के बराबर है, तो 8:1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4×8=32, और 15:1 की वैल्यू 15×4=60, तो 32 और 60 हो जाएगी हमारे पास वैल्यू इनकी, 32 और 60, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, तो ये तो वर्तमान में हो गई ना इनकी उम्र इतनी और इतनी, 8 वर्ष बाद का पूछा है, कितने का पूछा है भाई, 8 वर्ष बाद का, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें 8 जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 40, और इसमें हमारे पास कितना है, इसमें मैं 60 है मेरे पास, और इसमें भी मैं 8 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 68, और 40 और 68 को जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 108, सवाल खत्म, 108 मतलब डी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल, अगला प्रश्न है, ए और बी की आयु का अनुपात 5:8 है, दो व्यक्ति हैं कोई ए और बी, इनकी आयु का जो अनुपात है वो 5:8 है, ये प्रेजेंट में लिख लेता हूं, प्रेजेंट का है, 8 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट से कहाना है आपको 8 वर्ष बाद नीचे आना है, इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 3:4, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, आसानी से बता दोगे, मैंने बताया है तरीका, कि नीचे वाले अनुपात का अंतर कर लेना है, अंतर आएगा 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका भी अंतर करना है, 4×5=20, 3×8=24, 20 और 24 का अंतर 4 आ जाएगा, इसको नीचे लिखना है और गुना कर देना, जितना वर्ष बाद दिया गया है 8 वर्ष बाद, तो 8 लिख देना है, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, 2×1=2 ही रहेगा। अब पूछा क्या है, वर्तमान आयु, तो मैंने क्या बोला, वर्तमान का पूछा जाए तो वर्तमान वाले से मल्टीप्लाई मत करो, दूसरा अनुपात जो दिया गया उससे कर लो, तो 2×3=6, ठीक है, और 2×4=8, 6 और 8 हो गया। अब हमसे क्या बोला है, वर्तमान आयु का योग क्या होगा, है ना, वर्तमान आयु का योग। अब यहां पे अगर मैं दोनों की आयु निकालता हूं, दोनों की आयु मैंने की निकाली ना, 2×3=6, 2×4=8,
अब दोनों की आयु का जो योग है ना, यहां पे 8 और 6 14 है। अगर मैं यहां से 8 वर्ष पहले जाऊंगा, यहां से वर्तमान में जाऊंगा ना 8 वर्ष पहले, तो 14 में से 8 मान जाऊंगा, 6 बचेगा, जो कि 6 किसी भी ऑप्शन में मेरा नहीं दिया गया। क्या है किसी ऑप्शन में मेरा 6? किसी भी ऑप्शन में मेरा 6 नहीं दिया गया। तो क्या ऐसे आंसर आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो क्या करना है हमें, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमसे जो बोला गया 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। अब ये जो मेरे पास 2 है, 2 का मैं 5 से करूंगा 10, और 2 का मैं 8 से करूंगा 2 8 16, और 10 और 16 दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा? 26। ये मेरे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो आपको यही तरीका लगाना है। अगर इस तरीके से आंसर मिलेगा तो बिल्कुल सही आ रहा है, जब इस तरीके से आंसर नहीं लग रहा तो फिर आप डायरेक्ट वर्तमान वाले से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। क्लियर होगी ना दोनों बातें? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है आयु संबंधित का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:9 था, 3 वर्ष पहले, यानी कि प्रेजेंट से आपको 3 वर्ष पहले जाना है, और यहां पे ए और जो बी हैं इनकी आयु का अनुपात है भैया कितना? 8:9। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, यानी कि प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 10:11 हो जाएगा। यदि वर्तमान में सी ए से 8 वर्ष छोटा है तो बी और सी की वर्तमान आयु का योग पूछा जा रहा है क्या है। देखिएगा, ए हमारा 8 है और 8 से हो जाएगा 10, तो कितना बढ़ जाएगा अनुपात में? 2। बी हमारा 9 है, अनुपात में 11 हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। तो देखिए हम अनुपात में कितना बढ़ रहे हैं, अनुपात में हम बढ़ गए 2, अनुपात में 2 बढ़ रहे हैं, और एज कितनी बढ़ रही है? 3 और 5 8, यानी कि 2 अनुपात की वैल्यू 8, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 4। जब 1 अनुपात की वैल्यू 4 तो 10 अनुपात की वैल्यू 40 और 11 अनुपात की वैल्यू 44। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब यहां तक 40 और 44 होगी तो हम क्या करेंगे, ए की आयु निकालेंगे, तो 40 में से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा? 35। तो जो ए की आयु है ना वो 35 वर्ष है, ए की आयु हमारे पास 35 वर्ष है, ए की आयु 35 है। और हमसे एक बात बोली गई है कि सी ए से 8 वर्ष छोटा है, तो सी की कितनी हो जाएगी? ए से 8 वर्ष छोटा हो जाएगा, तो 35 में से 8 छोटा कर दो तो सी हमारा 27 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, पूछा है बी और सी की वर्तमान आयु का योग, बी और सी की वर्तमान आयु का योग पूछा है। देखिएगा, मैंने ए की आयु निकाली थी, 5 माइनस कर दिया, बी की भी निकालूंगा, यहां भी तो 5 माइनस करूंगा, तो कितना हो जाएगा? 39। तो बी की आयु मेरे पास कितनी है? 39, और सी की आयु मेरे पास कितनी है? 27। बी की है 39 और सी की है 27, इनकी आयु का वर्तमान आयु क्या है, योग क्या है ये बताना है, बी और सी की वर्तमान आयु का योग बताना है, योग बताना है। तो योग नहीं, यहां पे हमने अनुपात लिखा हुआ है, तो अनुपात बता देते हैं, 3 से कट जाएगा 13 बार में, और 3 से कट जाएगा 9 बार में, तो 13:9 बिल्कुल यहां पे सही जवाब है। हमसे यहां पे गलती हो गई है लिखने में, बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, वर्तमान आयु का अनुपात पूछा जाना है, क्या है अनुपात पूछा जा रहा है, हमने यहां पे योग लिख दिया गलती से, और गलती दोस्तों किसी से भी हो सकती है, नाराजगी की कोई इसमें बात नहीं है, अनुपात पूछा जाना है। तो 13:9 यहां पे जो डी ऑप्शन में दिया गया है बिल्कुल सही है। और एज प्रॉब्लम आयु संबंधित चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। एक बार में समझ में जब कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे आप दोबारा से देखें, तिबारा से देखें, 3 बार में नहीं 4 बार देखें, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी समझ में ना आए, जब आप उसे बार बार देखते हो ना, कहते हैं ना कि किसी चीज को, किसी भी काम को बार बार करने से उसमें आपकी आदत हो जाती है, और फिर उसकी प्रैक्टिस भी आपको बहुत अच्छी हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।